Unanswered questions still hound him, but the father of the Delhi Braveheart deals with them stoically. It takes a lot of courage to come to terms with loss of his own. It takes even greater courage to come out and share his trauma with the world. It's darkness everywhere, he says, but vows to fight to get her daughter justice. Just as he bravely fights back his tears when he says she wanted to live. Here is my colleague Preeti Chaudhary in an exclusive interview with the Braveheart's father. It takes a very brave father to see his child go before him. It takes a very brave father to know that his child has been the victim of one of the most heinous of crimes, and then to see her fight for life and slowly lose the battle. We have with us a father whose life turned upside down on the 16th December night. We have with us the father of a brave heart who lost her life, but now has come to be the voice of millions who have stood up together and formed a movement. Right at the onset of this interview, we want to make clear the very reason that this interview is being conducted is that we want to give a voice to a father who wants to be heard, who has every right to be heard. And maybe the country which turned its back on his daughter on the 16 December night would be listening today. Bahut dhanyavaad humse baat karne ka sir. 16 December ke baad jo bhi हालात थे, जैसे भी चीजें बदली, बहुत गुस्सा था दिल्ली की जनता में, बहुत गुस्सा था, लोग बहुत बहुत मोमबत्तियां जला रहे थे, लाठीचार्ज हुआ, बहुत सारी चीजें हुई ऐसी, आप और आपका परिवार बहुत अलग हालात से जूझ रहा था उस टाइम पर। वो जो गुस्सा था कि आपको भी, पर आपको गुस्सा आया क्योंकि ये जो लोग मोमबत्ती लेके जा रहे थे, जला रहे थे, वही लोग जब बात आई 16 दिसंबर की रात तो आपकी लड़की की मदद नहीं करी उन्होंने, आपको गुस्सा था उसका? नहीं, हमें कोई गुस्सा नहीं हुआ, इसलिए कि हमें पता ही नहीं था इस चीज का, क्योंकि हम तो हॉस्पिटल में थे, इसलिए हमको सोच ही नहीं सकते इस घर को। पर आपको थोड़ा गुस्सा आता है लोगों पे, क्योंकि जो पुलिस ने भी बोला कि लोग तो आए और निकल गए, पर फिर बाद में बहुत गुस्सा दिखाया, उस वक्त जब बहुत जरूरी था कि वो एकजुट होकर आए और आपकी लड़की की मदद करें, तब नहीं किया? ये तो जनता को चाहिए था ना जी, जनता जब आ रही है, जा रही, निकल जा रही है, तो जनता का है काम, पुलिस आई अपना काम के, हमें उसे किस पे हम गुस्सा करें? थोड़ा बुरा लगता है कि जनता ने किसी ने मदद नहीं करी। हाँ, उस समय तो जनता को करना चाहिए, लेकिन एक भी बात है कि हम भी अगर रोड से निकलते हैं, कोई एक्सीडेंट होता है तो हम भी देख के चले जाते हैं, हम भी नहीं कोशिश करते कि इसको उठाकर हॉस्पिटल लिया जाए, तो उस अवस्था में हम कैसे सोच लें कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि हमको कोई ले जाएगा। जब पुलिस आई, जैसे भी आई, जब आई लेकर पुलिस ही गई। वो 16 दिसंबर की रात आपको जब फोन आया, आपको कैसे पता चला ये सारा इंसिडेंट, कैसे हुआ, पुलिस ने फोन किया, कैसे पता चला? हमको तो हॉस्पिटल से फोन आया था, 11:15 से कुछ टाइम होगा, घड़ी का तो नहीं पता, लेकिन जिस समय खबर आई हमारे पास, तो हॉस्पिटल से आया कि तुम्हारे लड़की का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आ जाओ, तब मैं गया था वहां पे। आपको पुलिस मिली? हाँ, पुलिस पहले तो नहीं, हम लोग तो काफी देर तक तो खोजते रहे, कोई बता ही नहीं पा रहा था, लेकिन एक लेडीज गार्ड थे, उसने बताया, उसके आधार पर हम लोग जब वहां गए तो लड़की को हमने देखा, तो वहां पुलिस भी थी। जो 16 दिसंबर की, उसके बाद तो पूरा जैसे एक मुद्दा बन गया, लोग आ गए, गुस्सा था, पर उस वक्त क्या आपको प्रॉपरली बताया गया, पुलिस ने आपको इत्तला दी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आपकी लड़की कैसी है? वहां पर डॉक्टर ने बताया मेरे कि ऐसा ऐसा केस है, ये वहां पर जो लेडी डॉक्टर थे जी, दो तीन थे, उन लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। पर वहां पे कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था जिसने आपकी बात की? नहीं, पुलिस था, लेकिन अब वो कौन थे हमें नहीं मालूम। उन्होंने आपको बताना नहीं सोचा कि बताएं आपको कि आपकी लड़की को यहाँ से लेके आए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपकी पुलिस ने आपसे कब बातचीत शुरू की कि आपको बताया या आपके साथ बोला कि आपके ये साथ तो जब डॉक्टर ने, वहाँ लेडी डॉक्टर थे, उन लोगों ने बताया, तो साथ साथ पुलिस भी हो गई ना, वहीं पे पुलिस भी थी, तो उन्होंने मेरे कॉन्टेक्ट किया कहाँ रहते हो, कैसे कैसे, कब लड़की तुम्हारी घर से गई है,
उन्होंने पूछा इस बात को, लेकिन हम इतना गौर नहीं किए थे इस चीज को। पर क्या सेंसिटिव थी पुलिस आपके, जो आपकी आपकी तरफ, आपकी बच्ची की तरफ? हाँ, पुलिस क्या, डॉक्टर पूरा, हमको ये नहीं पता, हम तो एक आम आदमी समझ रहे थे अपने आप को। हम तो सोचे कि बहुत कोई भी कार्रवाई होगी, बहुत देर से होगी, लेकिन हमारे दिमाग में बात था कि जितना हम सोच रहे थे उसे कहीं ज़्यादा जल्दी काम हो रहा था। तो हम सोचे कि मेडिकल की छात्रा होने की वजह से हो सकता है हॉस्पिटल के लोग थोड़ा अपना दिखा रहे हैं अपना कार्यक्रम, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी वो दुनिया की बेटी है। और जब ये सब, जैसे आपका, आप कह रहे हैं कि आपका परिवार बहुत ही डिफिकल्ट टाइम, बहुत हालातों से गूंज रहा था उस टाइम पर, जो बाहर हो रहा था आपने देखा, जो बाहर हो रहा था, जैसे पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई थी, सिर्फ एक ही नारा था कि जस्टिस मिले, न्याय हो और जल्द से जल्द मिले, तो उससे आपका, आप वो देख रहे थे जो बाहर हो रहा था? नहीं नहीं मेरे को तो देखने का, वहाँ टेलीविजन कहाँ था, हम लोग तो बस हॉस्पिटल में, मैं अभी भी दोनों जने रात दिन वहीं पर रह गए। आपकी बात हुई थी जब, क्योंकि पहले खबर में आई कि लड़की बच जाएगी, अच्छा है, अभी मतलब ठीक हो रही है, बात कर रही है, लिख रही है, आपकी वाइफ से, जो आपकी आपकी बीवी है, उनकी माँ से बातचीत हो रही है, तो आपकी बात हुई आपकी लड़की से? हाँ, हमसे भी बात हुई है उससे। क्या बात हुई है? वो हमको तो ज्यादा यही पूछती थी, पापा खाना खा लिए, फिर कहते अब पापा सो जाओ, हमसे तो यही कहते थे पापा घर ले चलो मेरे को। मैं कहता था कि अच्छा ठीक हो जाओ तो ले चलेंगे, बातें ही होती थी। आपको लग रहा था वो ठीक हो जाएंगे जैसे? हाँ, दो दिन के बाद होश आया, मशीन से उतार दिया गया, तभी वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, तो हमें लगता था कि अब ठीक हो जाएगी। ये तो तबीयत कब बिगड़ी? उसकी तबीयत तो दो बार तो उसको वो देना पड़ा अपना, उसके साथ जो हादसा हुआ था जी, तो पहले दिन तो नहीं, लेकिन दूसरे दिन जब उसने अपना बयान दिया था, उसके 2 घंटे के बाद उसकी तबीयत खराब हुई। दूसरे तीसरे दिन जब उन्होंने बयान दिया, दूसरे बार जब बयान दिया था, उसके 2-3 घंटे के बाद तबीयत काफी खराब हुई, तब से फिर नहीं सुधरे। 25 की रात उनको एक दिल का दौरा पड़ा था, 26 को, 26 सुबह को पड़ा था, तो और तब उनको विदेश ले गए, सिंगापुर ले गए। यहाँ पर बहुत डॉक्टर्स की राय है कि नहीं लेके जाना चाहिए था उस टाइम, उस वक्त पर, अगर उस वक्त पर रख लेते तो क्या पता स्टेबलाइज हो जाती, क्योंकि ऐसी जो हवा में, जो बाय एयर जो जर्नी थी हवाई जहाज में, वो उनकी बॉडी नहीं ले पाएगी। आपका क्या मानना था इस बारे में? इस विषय में तो हम कुछ नहीं कहें, क्योंकि ये तो डॉक्टर का काम था, डॉक्टर जाने, उन्हें अच्छा समझा तो ले गए, अच्छा नहीं समझे तो नहीं भी ले जाते। लेकिन हमको तो जरूर लगता था कि यहाँ से बाहर कहीं जाए तो शायद बच जाए। आपको लग रहा था कि बाहर जाना, लेके जाना चाहिए उन्हें? जी। किसने बात की आपसे कि अब बच्ची को सिंगापुर शिफ्ट किया जाएगा? डॉक्टर लोगों ने ही बताया था मेरे को कि आज सिंगापुर जा, सिंगापुर नहीं नाम रखे थे, बोले कि बाहर जाना है, कहें नाम नहीं रखे थे कि हाँ जाना है वहाँ जाना है। और आपने सहमति दे दी क्योंकि आपको लगा कि बच्ची बच सकती है? जी हाँ। जब आप पहुंचे, विदेश पहुंचे, और जो अस्पताल में आपकी बच्ची को एडमिट किया, वहां पर कोई इम्प्रूवमेंट थी, या जाते ही ऐसा लग रहा था कि कोई चेंज नहीं होगा? नहीं नहीं सब कुछ ठीक था। सुबह तो पहुंचे ही थे, शाम को अब लड़की का मैंने चेहरा देखा तो मेरे को लगा कि नहीं ठीक हो जाएगी। हालांकि वो तो बेहोश थे, लेकिन फिर भी मेरे को उसका चेहरा चमक रहा था, ऐसा लग रहा था कि ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि वो ठीक नहीं होगी। आपको बताया था डॉक्टर्स ने जैसे उनकी तबीयत बिगड़ी, क्या हुआ? वो बता रहे थे, वो तो करीब करीब हर 2 घंटे पे वहाँ का रिपोर्ट दे रहे थे कि तुम्हारी लड़की की पोजीशन है ऐसा है वैसा, जो कुछ भी है बता रहे थे। जब आपकी लड़की नहीं रही, जैसी खबर आई यहाँ पर, बहुत लोगों का मानना था कि उनको सिंगापुर इसलिए लेके गए क्योंकि यहाँ पे माहौल बिगड़ सकता था, क्योंकि इतना गुस्सा था लोगों में
सारे एक ही जुट होकर यही मांग कर रहे थे कि आपकी लड़की, जो आपको कह रहे थे कि उनकी लड़की है, उनको न्याय मिले। तो आपको आपको आपका क्या मानना था इस बारे में? आपको लग रहा था कि क्योंकि इसीलिए उनको मूव किया गया होगा कि यहाँ का माहौल बच जाए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बेहतर समझा यहाँ से ले जाना जब ही गए थे, ऐसा कुछ नहीं। जब आप वापस जब हवाई जहाज आया, आपको कोई रिसीव करने आया, कोई लेने आया गवर्नमेंट से? हाँ, सोनिया गांधी जी आए थे, प्रधानमंत्री आए थे, बहुत सारे नेता लोग आए थे। किसी ने आपको एडवाइस किया, किसी ने आपको सलाह दी कि जल्द से जल्द, जैसे दिन भी नहीं हुआ था कि अंतिम संस्कार हो गया, लोगों को पता ही नहीं चल पाया था कि कब आप वापस आए अपनी लड़की को लेकर और कब अंतिम संस्कार हो गया? नहीं तो हमारे जितने रिश्तेदार थे, जो भी हमारे जानने वाले, सब वहाँ पहुँचे हुए थे पहले ही, क्योंकि हमने तो अब टेलीफोन पर सबसे बातें करता ही रहता था। तो जो भी हमारे जानने वाले थे, जो भी हमको हमसे संबंध रखते थे, वो सभी पहुँचे हुए थे। और ज़्यादा देर तक रखना उचित इसलिए नहीं, हमने समझा कि जब तक रहेगी इसकी माँ की तबीयत खराब हो गई और बिगड़ गई, तो इस वजह से भी हमने सोचा कि जल्द से जल्द इस क्रियाक्रम को कर दिया जाए तो अच्छा है। किसी ने आपको सलाह दी कि जल्द से जल्द हो, या जो आपको सही लगा आपने वो किया? जी हाँ, हमारी पूरी छूट थी, हमको किसी ने कोई दबाव नहीं दिया कि ऐसा करो ऐसा करो, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं जी। आप जब अंतिम संस्कार हुआ, उसके लिए कोई कोई लोग आए, किसी ने आपको दिलासा दी, आपका दुख बांटा? हाँ, उसमें सुषमा स्वराज जी आई थी, रेणुका चौधरी जी आई थी सांसद, मीरा कुमार जी आई थी, और बहुत सारे जितने नेता थे, तो करीब हम तो जानते भी नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग आए थे, अपने इलाके के भी आए थे, बाहर के भी लोग आए थे। एक जगह बहुत लोग आपके साथ थे, बहुत गुस्सा था आसपास, आपने देखा होगा लोग आपका दुख बांटना चाह रहे थे, और उसके साथ साथ बयानबाजी हो रही थी। ये जो पॉलिटिशियंस हैं, एक के बाद एक, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, लग रहा था कि कोई प्यादा सा बन के रह गए हैं आप इनके बीच में, जो आपकी बेटी है उनका केस, क्योंकि आप जो लोगों का गुस्सा था वो तो जायज था, पर उसके बीच में ये जो सारे पॉलिटिशियंस तो गलत कर रहे होंगे। हालांकि इतना तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन जो अपने को रोटी सेकने में लगा हो कोई नेता पर नेता, तो ये तो गलत है तो, लेकिन हमारे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं आई थी। पर जो लोगों ने बयानबाजी करना शुरू किया, इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना के रख दिया, तो मेरे को तो पता भी नहीं इसका ना, किसने क्या किया किसने नहीं किया। पर जो हुआ वो आपको आपको लगता है कि वो गलत हुआ? लोगों का गुस्सा जायज है? हाँ, गुस्सा तो ठीक है, गुस्सा तो होना ही चाहिए, गुस्सा नहीं होगा तो आखिर कानून बदलेगा कैसे? पर आपको लगा कि ये केस फंस गया ये पॉलिटिकली? लग तो रहा ऐसे ही, क्योंकि तो लंबा चला जाएगा इस तरह से रहा तो। और आपको लग रहा है कि बीच में बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो आ गए और बयानबाजी करने लगे, इस बात को छोड़ देना चाहिए था? जैसे शीला दीक्षित आई, एक मोमबत्ती जलाई, मैं बताती हूँ आपको, शीला दीक्षित आई, एक मोमबत्ती, उन्होंने मोमबत्ती जलाई जंतर मंतर पे, किसी और नेता ने कुछ और बोला कि ये करना चाहिए, ये गवर्नमेंट की गलती है, तो इस बयानबाजी से दूर रहना चाहिए था पॉलिटिशियंस को? बिल्कुल, इससे कोई संबंध ही नहीं उसका। तो आप ये आप मानते हैं, कैसे कैसे याद रखना चाहेंगे आप अपनी बेटी को? जैसे याद आप रखना चाहें कैसे रखा जाए आप बताएं, आपकी बेटी थी। हम तो चाहते हैं कि हमारे गांव में हॉस्पिटल हो जाए उसके नाम से, रोड निकल जाए, जो कानून बने इसके नाम से बने, जिसे सदा इसको याद किया जा सके। उसी बात पे आते हैं, जो अभी ये जो कानून जो बात छिड़ी थी, एक और सांसद ने, एक और नेता ने बोला था, शशि थरूर जी ने बोला था कि जो अमेंडमेंट, जो अमेंड होगा लॉ, इन्हीं के नाम, आपकी बेटी के नाम पे हो, चाहते हैं कि वो हो? बिल्कुल चाहते हैं, होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो ये कर सकते हैं, ये देखेंगे आज आपको जो आप बोल रहे हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे उनको? तो अगर आप किसी से ये किसी से बोलना चाहेंगे कि आपकी बेटी पे, किससे बोलना चाहेंगे और क्या बोलना चाहेंगे कि क्यों आपकी बेटी पे ये का नाम, एक कानून का नाम हो? उसको याद रखने का दूसरा रास्ता ही क्या है, दूसरा साधन क्या है? उसने तो कुर्बानी अपनी दे दी, तो ये मेन मुद्दा तो लड़की ही है ना, मेन मुद्दा को सामने रखना चाहिए,
कानून तो उसी के नाम से बने हैं, तभी तो उसको याद किया जा सकता है कि नहीं, किसकी वजह से क्या हुआ। तो आप कह रहे हैं सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब ये कानून आपकी बेटी के नाम पर हो। हाँ बिल्कुल। बहुत सारे नाम हैं, जैसे कोई लोग निर्भया बुलाते हैं, कोई लोग दामिनी बुला रहे हैं, कोई लोग वीरा बुला रहे हैं आपकी बेटी को। अजीब लगता है क्योंकि आपकी बेटी ने तो कुछ गलत नहीं किया, तो ये सारे नाम क्यों, उसका अपना नाम से वो क्यों नहीं जानी जाए? अभी नहीं, अभी नहीं, जो कानून जो बनेगा तब। पर अजीब लगता है ये सारे नाम जो उभर नहीं, के आते हैं। गलत तो है ही है, लेकिन इस विषय में हम इसलिए नहीं कह रहे कि जब तो कानून अगर नहीं बनता है तो फायदा क्या हुआ। किसी के नाम को उजागर करने का पीछे कोई राज तो हास्ता होना चाहिए, क्या है इसमें। तो मान लीजिए कानून अगर नहीं बना उसका नाम आया तो फायदा क्या हुआ मेरे को। जो 6 गुनहगार हैं इसमें क्या सजा चाहेंगे उनके लिए? सजाए मौत। उनमें से एक नाबालिग है और कह रहे हैं कि 3 साल रिफॉर्म होम में रहेगा और फिर शायद छूट जाए। ये तो सरकार का जो कानून हो हम इस विषय में क्या कहें, लेकिन हम तो चाहेंगे कि उसको सबसे पहले उसी को फांसी दी जाए, क्योंकि कानून की आड़ में तो सभी बचना चाहते हैं ना, लेकिन हम नहीं मानते इस चीज को कि वो नाबालिग है। एक 14 वर्ष की लड़की माँ बन सकती है, तो क्या 14 वर्ष का लड़का बाप नहीं बन सकता है? तो कैसे नाबालिग हो जाएगा? इसलिए हमारा कानून थोड़ा अंधा है, इसको बदलना तो पड़ेगा ही। तो आप चाह रहे हैं कि ये जो नाबालिग है उसे भी सजाए मौत दी जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उसको सबसे पहले बल्कि दिया जाए। कल ही एक बहुत गुरु मानते हैं लोगों ने, आसाराम बापू ने बहुत भद्दा एक स्टेटमेंट दिया है, बहुत भद्दा बयान दिया है कि पूरा देश आज उनको मतलब बिल्कुल ही शॉक्ड है, जैसे जो उन्होंने बोला है कि ये आपकी लड़की की गलती भी थी आधी इसमें। आप क्या बोलना चाहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को मैं क्या, उनकी बेटी होती तो पता लगता उनको। हम तो कहेंगे तुम्हारी बेटी हो और 6 लड़के ऐसे पकड़ लें तो उनको कह दो कि समर्पण कर दो। ऐसे लोगों को हम क्या कहें, ये तो दूसरे के ऊपर बात है ना, हमारे ऊपर है ना। उनकी बेटी होती तो उनको पता लगता क्या करना चाहिए। हम तो इतना जानते हैं जो सिखाया हमने अपने बच्चों को, मर जाओ लेकिन अपने आप को झुकाओ नहीं। क्या बोलेंगे एक आसाराम बापू को, ऐसा बेशरम भद्दा बयान जो उन्होंने दिया है? आज हर हर आदमी जो जिसने आपकी बेटी के लिए आवाज उठाई थी, और बहुतों ने उठाई थी, करोड़ों ने उठाई थी, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे लोग कैसे बयान दे सकते हैं। क्या बोलना चाहेंगे ऐसे उनको? तो हम कहेंगे कि पहले तो तुम चूल्हे पानी में डूब के मर जाओ, संतगिरी छोड़ दो। अगर संत हो तो इस समाज में आओ ही नहीं। वो समाज को क्या राह दिखाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या शिक्षा देते हैं, उनकी गुरुवाई क्या है, जिसको ही नहीं समझ रहा कि हम कह क्या रहे हैं। उन्हें समर्पण, समर्पण तो भगवान के सामने किया जाता है, न कि दरिंदों के सामने। अगर उनकी बेटी या उनकी नातिन हो, कोई भी हो, घर में तो कोई ना कोई होगा ही, अगर 6 बंदे ऐसे पकड़ लें तो क्या वो कहेंगे कि हाँ बेटी तो छोड़ दे, समर्पण कर दे इनको और इसको मान लेंगे अच्छी तरह से वो। बहुत लोग आपके साथ हैं इस बार, इस टाइम पर जो भी आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं आज, वो लोग जिन्होंने आवाज उठाई है आपकी बेटी के लिए, क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे कैसे ट्रीट करें उनके साथ, कैसा व्यवहार करें ऐसे लोगों के साथ जो ऐसी चीजें बोल रहे हैं? उनको तो पहले पत्थर मार देना चाहिए, जो इस तरह की आवाज करें उनको पत्थर मारो। जिसको ये नहीं समझ आ रहा कि हम बोल क्या रहे हैं, वो भारत की लड़की है, हमारी नहीं।